आज बनाते हैं अपना 10 इंची स्पीकर बॉक्स, जिसमें कि अपना 10 इंची का एक बूफर होगा, 4 इंची का ट्विटर और एक 3 इंची का एयरपास होल। तो इसकी जो कटिंग वटिंग की वीडियो तो बनाई नहीं है, ये पूरा बॉक्स कटिंग करने का बॉक्स का साइज हमने बना लिया है, इसे जोड़ लिया है। ये ओनली ढांचा खड़ा हुआ है इसका। अब इसका साइज दिखा देता हूँ क्या क्या साइज है। जैसे अगर फ्रंट से देखोगे तो 300 mm चौड़ा और हाइट में 550 mm है, और ये ऊपर के साइड से है अपना 300 mm चौड़ा और गहराई होगी 315 mm। फिर यहाँ से साइड से इसका है 315 mm 550 mm। ये हो गया इसका। अब इसमें होल की कटिंग करेंगे, यहाँ पे 10 इंची का बूफर की, और यहाँ पे अपना 3 इंची का एयर पास आ जाएगा और एक बीच में अपना 4 इंची का ट्विटर आ जाएगा। दोनों में उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जो इसकी ये है ना, ये फिनिशिंग, ये इसके किनारों को बढ़िया से फिनिशिंग करेंगे घिस के, और फिर कोनों को राउंड कर देंगे। वो आगे दिखाता हूँ किस तरीके से होगा, करके दिखाऊंगा। और पीछे अपना एक स्पीकर कनेक्टर लग जाएगा। चलो अब इसमें होल कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों बॉक्सों पे हमने बढ़िया से इसकी फिनिशिंग करके और इसमें होल कटिंग कर लिया। जैसे ये अपना ट्विटर का हो गया, डोम ट्विटर का, ये एयर पास का, और ये 10 इंची बूफर का। अब जो अपना ट्विटर है इसके अंदर रहेगा, तो इसमें भी अभी ट्रिमर से इसके अंदर एक 5 mm का खांचा टाइप का काटेंगे, ताकि वो इस जो अपना ट्विटर है अंदर की साइड हो जाएगा। ऐसे इसे भी करना है और ऐसे ये अपना बूफर को भी। और फिर इसके जो ये कोने जो हमारे, ये सबको कोनों को राउंड कर देंगे। और इसका बैक साइड से इसमें बैक कनेक्टर के लिए होल कटिंग कर दिया। अब इसके कोनों को जो है, सभी कोनों को राउंड कर लेते हैं। ये हमने बॉक्स को चारों साइड से फिनिशिंग करके इसको गुलाई कर दिया। गुलाई करने का दिए इसमें 5 mm करीब खांचा भी काट दिया, ताकि जो ट्विटर लगेगा अपना एकदम बराबर में रहेगा। इसी तरीके से स्पीकर में भी कर दिया बूफर में। ये रहा इसका फाइनल लुक है ये। अब इसमें ओनली पेंट का काम बाकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक, ओनली पेंट करना है इसमें। अब इसमें 2 कोट पेंट के मारेंगे, फिर दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये इस बॉक्स पे हमने इस पेंट का 1 कोट मार लिया है। जो 1 कोट मारा हमने विदाउट टेक्सचर वाला मारा है। अब इस पे जो दूसरा कोट मारेंगे वो टेक्सचर वाला मारेंगे, जैसे कि ये रहा। लेकिन उससे पहले, मारने से पहले, ये जो हल्की फुल्की गैपिंग है ना, गैपिंग तो उसके अंदर पुट्टी उट्टी लगाएंगे, और जहाँ कील के निशान आए जैसे ये रहे, उसके ऊपर भी पुट्टी लगाएंगे। पुट्टी लगा के इसे बढ़िया से घिसेंगे, तब इस पे दूसरा कोट मारेंगे टेक्सचर वाला। अब इस पे पुट्टी लगा के घिस के फिर टेक्सचर वाला पेंट मारते हैं, फिर दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये रहा इसका फाइनल लुक, जिस पर हमने डबल कोट मारा पेंट का, दिखाता हूँ पास से। ये रहा, ये इसका फाइनल लुक है। काफ़ी एक नंबर फिनिशिंग आई है इसमें। ये रहा इसका बैक से लुक, जिसमें स्पीकर कनेक्टर लगा दिया हमने,
और जो इसके नीचे ये रबड़ के वो आते हैं ना गुटके, वो भी लगा दिए दोनों में। ये इसका फाइनल लुक है।